नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लासेस चैनल में। आइए प्रारंभ करते हैं ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसंयोजी यौगिक, और वह उसका एक पार्ट में लेने जा रहा हूं संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थियरी। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके क्वेश्चन कंपटीशन के दृष्टिकोण से और आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, संयोजी बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थियरी को शॉर्ट में हम लोग VBT कहते हैं। वी फॉर वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी VBT के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों देखो, इसको देने वाले कौन थे? लिनियस पॉलिक, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिनियस पॉलिक। लिनियस पॉलिक नाम के साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को, इस कॉन्सेप्ट को दिया था। अच्छा, ये तो इन्होंने बैलेंस बॉन्ड थियरी को दिया था लिनियस पॉलिक साहब ने। ये सिद्धांत कहता क्या है? ये कहता है सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर, सीएन का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, मैंने शॉर्ट करके लिखा है ताकि छोटी हो जाए चीजें और आपको आसानी समझ में आ जाए। जो आपको दिक्कत हो तो पेन कॉपी लिए रहिएगा, लिख लीजिएगा शॉर्ट वर्ड को। सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, उपसंयोजन संख्या के बराबर खाली संकरित कक्षक उपलब्ध कराता है जो लिगेंड के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक वैसे ही आप समझिए, जैसे ये क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ही वह अपने ऑर्बिटल खाली करता है ताकि उन्हीं खाली ऑर्बिटलों में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे सके और मेटल और लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन सके। ठीक वैसे ही जैसे बच्चों हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो हम उस मेहमान के रहने के लिए जगह खाली करते हैं। जिसके घर में जगह नहीं है वो खाली करता है, जिसके घर में है तो ऑलरेडी है, वहां मेहमान आराम से रह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है तो सेंट्रल मेटल एटम सबसे पहले उसके लिए ऑर्बिटल को खाली करता है और उतने ऑर्बिटल खाली करता है जितने सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। अच्छा, पहला पॉइंट आप लोगों ने देखा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है कंपाउंड में, यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देखो इज इक्वल टू मैंने लगा रखा ऊपर की तरफ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसे बोला जाएगा बच्चों पैरामैग्नेटिक। क्या बोला जाएगा? पैरामैग्नेटिक। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसे हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो इज नॉट इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर नहीं है मतलब सबके सब पेयर हैं, अनपेयर नहीं है मतलब सबके सब क्या है बच्चों? पेयर है। यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे बोला जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसे बोला जाएगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो बोलेंगे डायामैग्नेटिक। अच्छा, तीसरा पॉइंट आते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे क्या होते हैं? CN माइनस चार्ज है और CO है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आते हैं। किसमें आते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर कहीं पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए, और भी दो तीन हो सकते हैं, अगर कहीं स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे CN या CO आ जाए तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विरुद्ध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि कहीं पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ जाए बच्चों तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हुंड के नियम के विपरीत पेयर करते हैं। हुंड का नियम क्या है? सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में भरते हैं, यदि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो फिर हम इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाते हैं, ये हुंड का नियम है। लेकिन ये नियम कहता है अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गए CN माइनस या CO जैसे, तो भैया उसमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग आप
हुंड के नियम के विपरीत करेंगे, हुंड सला के अगेंस्ट करेंगे। अच्छा, अभी मैं सब उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा, अभी थियरी चल रही है। संकरण में, संकरण में अंतः, संकरण में अंतः एन माइनस वन के डी ऑर्बिटल प्रयोग हो रहे हो तो ऐसा यौगिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। यदि संकरण में अंतः एन माइनस वन के डी ऑर्बिटल प्रयोग हो रहे हो तो ऐसा यौगिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एन माइनस वन डी ऑर्बिटल यदि संकरण में प्रयोग होंगे, एन माइनस डी के, एन माइनस वन के डी ऑर्बिटल यदि संकरण में प्रयोग होंगे तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित होते हैं। कहां? जहां एन माइनस डी के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में प्रयोग होते हैं उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित होते हैं। और इसे इस प्रकार के यौगिकों को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस प्रकार के यौगिकों को क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं भैया? जब इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विरुद्ध युग्मित किए गए हैं, हुंड के नियम के विपरीत युग्मित किए गए हैं, तो बच्चों वहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, या होंगे तो बहुत कम होंगे। तो इसीलिए इसे बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हम बात करते हैं आगे, संकरण के बाह्य कोष, संकरण के बाह्य कोष एनएच के डी ऑर्बिटल प्रयोग हो रहे हैं, एनएच के डी ऑर्बिटल प्रयोग हो रहे हैं तो उसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसे क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, और उसे बोलते हैं उस प्रकार के यौगिक को बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ध्यान से सुनिएगा, अगर एनएच के डी ऑर्बिटल प्रयोग हो रहे हैं तो भैया वहां पर पेयरिंग क्या होगी? हुंड के नियम के अनुसार होगी, और हुंड के नियम के अनुसार होगी तो उसे बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जब बाहर के ऑर्बिटल प्रयोग होंगे तो वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाए जाएंगे, अधिक पाए जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी, और इसीलिए उसे बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर पॉइंट? चलिए अब अगला स्टेप हम देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों? म्यू से। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन ब्रैकेट में एन प्लस टू ब्रैकेट क्लोज बीएम। बीएम एक यूनिट है म्यू की, और इसे बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। बीएम मतलब बोहर मैग्नेटॉन। उसके बाद आता स्पिन मल्टीप्लिसिटी, एस एम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू एस प्लस वन, टू एस प्लस वन। यहां पर एन क्या है बच्चों? ये मैग्नेटिक मोमेंट में ये नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और एस क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन, जिसे हम प्लस हाफ से दिखाते हैं, प्लस आपसे दिखाते हैं। तो मुझे लगता है इतने सारे के सारे पॉइंट्स आपको बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। मन लगा के इन्हें पढ़िए, लिखिए, समझिए। और अब मैं आपको कराता हूं प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर आपने प्रश्नों को समझ लिया तो ये पूरा बैलेंस बॉन्ड थियरी का इतिहास, भूगोल सब आपको समझ में आ गया। अगर आपने क्वेश्चनों को समझ लिया जो मैं अब कराने वाला हूं, तो मेरे बच्चों ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जल्दी से नोट करिए इसको सब लोग। मिटाता हूं, एक बार देख लूं वीडियो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। आइए, एक
क्वेश्चन में उठाता हूं बच्चों, NaCN4 टू माइनस, एक एग्जांपल्स ले लो, एग्जांपल्स NaCN4 और यहां पर लगा दो टू माइनस। ये हमने एग्जांपल्स ले रखा, क्या बच्चों? NaCN4 टू माइनस हमने एग्जांपल ले रखा है। इसका आप लोग नाम IUPAC नाम तो सब लोग जानते होंगे, मैंने पढ़ाया है, फिर भी ना जानते हो तो देख लीजिएगा इधर, टेट्रा साइनोनिकलेट। और निकिल का अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो बच्चों +2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +2। आप लोग निकालना जानते होंगे, जो ना जानते हो यहां देख लें भाई, ऑक्सीडेशन नंबर जिसका निकालना है उसे हम लिख लेते हैं सीधा सीधा, NI को लिख लेते हैं प्लस। साइनाइड के ऊपर एक माइनस चार्ज होता है तो साइनाइड के ऊपर हमने एक माइनस चार्ज लिख दिया। साइनाइड कैटो है, चार है, तो हमने माइनस एक में कितने गुणा कर दिया? चार। माइनस एक क्यों लिखा? क्योंकि साइनाइड पर माइनस एक आया है। अच्छा, माइनस एक वाले कैटो है चार, और इज इक्वल टू बराबर लगाते हैं, बराबर में जो यहां पर चार्ज होता है उसे लिखा जाता है, तो चार्ज कितना है? माइनस दो। तो ये हमारे पास निकल के क्या आएगा बच्चों? NI, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फोर हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। तो NI इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2, और इधर माइनस का फोर उधर जाएगा तो +4, इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। मतलब यहां पर NI की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई, निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? +2। अच्छा, अब आइए देखते हैं, जो हमारा निकिल होता है कौन होता है बच्चों? निकिल, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बताने की कृपा करें भाई सब लोग। मेरे हिसाब से 28 होता है। जी हाँ, 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, निकिल का पर जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या लगा देंगे? AR, आर्गन। सुनिएगा, पूरा वैलेंस बॉन्ड थियरी या क्लियर करा देंगे आपको। आर्गन, 28 में से 18 का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, अब आपके पास बचेगा क्या? 3D बचेगा, 4S बचेगा, अब 4S है तो 4P भी बचेगा। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दे तो 18 2 20, और कितने बचे? 8। तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 8, देख सकते हैं, और पी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो यहां 0 जाएंगे। 18 2 20 और 8 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगा, मैंने पढ़ा भी रखा है पीछे। चलो ठीक है, ये बच्चों हमने निकाला निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो हमें यहां इस कंपाउंड में क्या कह रहा है, निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2 है। +2 का मतलब बच्चों निकिल प्लस कब आता है किसी एटम पर? जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और यहां पर निकिल पर +2 आया है, मतलब निकिल ने दो इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है, लूज कर दिया है। तो जब दो इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दिया है तो यही वाले इलेक्ट्रॉन, जो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर यही लूज हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो अब हम निकालेंगे NI का, NI2 प्लस का। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां पर आ जाएगा AR, और हो जाएगा 3D8, और 4S, दो प्लस के कारण ये 4S के दो इलेक्ट्रॉन क्या किया? लूज कर दिया, त्याग दिया। तो यहां पर हो जाएगा 4S0 और 4P0। क्या इतनी बात मेरी सबको समझ में आई है? अगर मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हाँ सर समझ में आ गई है। अच्छा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, स्वीट स्वीट विद्यार्थियों, क्यूट क्यूट विद्यार्थियों, इधर देखो, अब हम जानते हैं कि ये जो डी ऑर्बिटल होता है, कौन डी सबसेल होता है, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी 5। यस, सबसेल में एक ऑर्बिटल, ध्यान से सुनिएगा, यस सबसेल में एक ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। जिसको ना पता हो लिख लेगा बच्चों, फिर से देखो, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी
उपकोष जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हुंड का नियम लगा रहा हूं, हुंड का नियम क्या कहता है, यदि ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरना हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में पहले डाल दिया जाता है। जैसे आप लोग गांव में कभी गए होगे निमंत्रण खाने, अब तो सब वफर सिस्टम वगैरह, खड़े खड़े खाओ, अपने से लो अपने दो, अभी भी हो रहा है गांव में। सबको निमंत्रण वालों को, जितने भी हमारे होते हैं, सबको मेहमानों को एक लाइन से बैठा दिया जाता है, और फिर पूड़ी वाला आएगा तो पूड़ी सब में डालता चला जाएगा, सब्जी वाला आएगा सब में सब्जी डालता चला जाएगा, अचार वाला आएगा सब में अचार डालता चला जाएगा। सिस्टम से नंबर से डाला जाता है, उसी को कहते हैं हुंड का नियम। ठीक वैसे ही यदि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में भरेंगे, उसके बाद हम दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना प्रारंभ करते हैं। मेरे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन थे तो यहां पर सबसे पहला एक, अब ऐसा नहीं करें दूसरा का एक ना, सपोज करो पूड़ी बांट रहे हैं, लाइन से पूड़ी बांट रहे हैं, तो सबसे पहले एक एक सबको पूड़ी दे देंगे, सबको पहले पूड़ी बांट देंगे, तो एक पूड़ी, दो, तीन, चार, पांच। अब डी के बाद यहां नहीं चले जाएंगे क्योंकि यस के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी में ही 8 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। सबसे पहले हमने सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, अब पांच के बाद पेयरिंग करेंगे, छठवां, सातवां और आठवां, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। 8 इलेक्ट्रॉन हमने इस प्रकार से भर दिया, 8 पूड़ियां हमारी खत्म हो चुकी हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो जरूर बच्चों कमेंट में बताइएगा, जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा। अब देखिए, अब मेन पॉइंट आता है, अब देखो आता है सीएन। निकिल है सेंट्रल मेटल एटम, सबको पता है निकिल क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीएन क्या है, सीएन क्या है, सीएन है हमारा लिगेंड, क्या है हमारा लिगेंड, सीएन है लिगेंड और निकिल है सेंट्रल मेटल एटम। सीएन जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अभी मैं चर्चा कर रहा था, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विरुद्ध पेयर करेगा, हुंड के नियम के विरुद्ध भरेगा। मतलब ये जो मैंने लगा रखा है हुंड का नियम है अभी, लेकिन यहां साइनाइड भाई साहब आ रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये इन इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के अगेंस्ट, हुंड के नियम के अगेंस्ट पेयरिंग करेंगे, हुंड के नियम के अगेंस्ट पेयरिंग करेंगे। जैसे हमारे तुम्हारे जैसे लोग कहीं चले जाएं सड़कों पर तो सारे रूल फॉलो होंगे, ट्रैफिक वाला रोक देगा, पुलिस वाला मना कर देगा, बस वाला आगे भिड़ा के खड़ा कर देगा, तो मतलब हम लोगों के लिए सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे। हम लोग बिना टिकट के नहीं जा सकते ट्रेन में, और थाने में जाएंगे 4 घंटा लाइन लगाना पड़ेगा, ए रुके रहो, बैंक में जाएंगे लाइन लगाना पड़ेगा, मतलब हम लोग के लिए सारे रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे, क्योंकि हम लोग क्या हैं, वीक लिगेंड हैं। अगर कोई स्ट्रांग लिगेंड आ जाए, नेता मंत्री आ जाए, तो ना तो उसके लिए कोई लाइन लगेगी बैंक में, ना तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस रोकेंगे, वो धड़ाधड़ चला जाएगा, कोई रूल रेगुलेशन उसके लिए फॉलो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग लिगेंड है, हम लोग क्या है, वीक लिगेंड है। इसलिए प्यारे बच्चों जब स्ट्रांग लिगेंड आएगा तो ये हुंड के नियम का पालन नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर होगा क्या, जब ये हुंड के नियम का पालन नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो नॉट फॉलो हुंड्स रूल, हुंड के नियम का पालन नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें कूद जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा,
ध्यान देना, अगर यहाँ पर वीक फील्ड होता ना, वीक फील्ड तो जैसे का तैसे रहता, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है इसीलिए वाला पेयर हो रहा है, इसीलिए वाला पेयर हो रहा है। ये कहेगा मेरे दोस्त मुझे अपने साथ रख ले, कहेगा क्यों क्या हुआ, कहेगा ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है और अगर मुझे पा गया तो बड़ी मार मारेगा किले पाके, इसीलिए मुझे अपने पास रख ले, मुझे अपने पास बुला ले। तो ये कहेगा आजा मेरे दोस्त, तेरा दोस्त अभी जिंदा है। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा तो क्या बनाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल और पांच, एक दो तीन चार पांच, ये वाला यहां आ गया तो एक दो तीन हो तो गए, ये वाला कहां आ गया यहां, तो आठ हो जाएंगे यहां पर। ध्यान दीजिए ये वाला यहां आ गया तो यहां पेयरिंग हो गई, दो दो चार दो छह दो आठ। अब ये ऑर्बिटल खाली हो गया, यहां पर ये ऑर्बिटल खाली है, ऑलरेडी खाली है, ऑलरेडी खाली है। अब देखिए इतने ऑर्बिटल खाली हो गए किसके पास, निखिल भाई साहब के पास। ये डी का ऑर्बिटल था, थ्री डी का था, ये फोर एस का था, ये फोर पी का था। अच्छा अब साइनाइड लिगेंड कट हुए हैं, चार लिगेंड है, चार साइनाइड है। तो बच्चों एक साइनाइड, एक साइनाइड यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक साइनाइड यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, एक साइनाइड यहां पर और एक साइनाइड यहां पर। टोटल कितने साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, एक दो तीन चार, यही चार दे रहे हैं। तो जब एक पेयर माने दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहां भी इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए जाएंगे, यहां भी भर दिए जाएंगे और यहां भी भर दिए जाएंगे और ये ऑर्बिटल खाली पड़ा रहेगा। अब ध्यान दो बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। यहां से देखेंगे सीएन ने यहां से इलेक्ट्रॉन देना चालू किया और कहां तक दे डाला, यहां तक दे डाला, यहां से देना चालू किया और यहां तक इलेक्ट्रॉनों को दे डाला। तो बच्चों देखो डी का कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट हुआ, मैं हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर रहा हूं, संकरण की चर्चा कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर रहा हूं। मेरे बच्चों डी का कितना ऑर्बिटल आया, एक। तो डी का ऑर्बिटल आया एक, यस का कितना ऑर्बिटल आया एक, तो यस का कितना ऑर्बिटल आया एक, और पी का कितना ऑर्बिटल आया दो, तो पी का कितना ऑर्बिटल आया दो। वैसे भी हम एक और दो, एक को नहीं लिखते हैं तो सीधा सीधा लिखेंगे डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या संकरण हो जाएगा बच्चों, डी एस पी टू संकरण हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मेरे बच्चों डी एस पी टू संकरण हो रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, चार। तो इसका हम सेट क्या बनाएंगे, आइए देखते हैं। एनआई सीएन 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 सीएन, इसको दिया इसको दिया इसको दिया इसको दिया और यहां से बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और टू माइनस था तो टू माइनस लगाएंगे। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रकार के सेप को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों सेप, इसका नाम क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर इसका सेप होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, डीएसपी टू होता है। अच्छा एक बात और बताइए, अब मुझे आप बताइए ये पैरा होगा कि डाया, ये पैरा होगा कि डाया, पैरा होगा कि डाया। मैंने क्या कहा था, जब सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे जोड़े में होंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या, डायमैग्नेटिक। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर जोड़े में नहीं है तो उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो आप यहां देखिए सबके सब इलेक्ट्रॉन कपल्स के रूप में हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों के पास जोड़े बने हुए हैं। जब कोई इलेक्ट्रॉन अकेले रहेगा, तन्हा रहेगा, लोनली रहेगा तो उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। जब सबके सब इलेक्ट्रॉन कपल्स के रूप में रहेंगे, जोड़े के रूप में रहेंगे, सबका एक एक फ्रेंड होगा या फ्रेंडी होगी तो उसे बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो बच्चों यहां पर देखो सबके सब इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं तो इसे बोलेंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नहीं बोलेंगे।
मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाए, म्यू निकाला जाए, तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है, एन एन प्लस टू। तो बच्चों बी एम, बी एन माने बोहर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट होती है। तो एन की जगह में क्या रख देंगे, एन बराबर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, और यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एन बराबर क्या होगा जीरो, क्योंकि सबके सब पेयर है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो प्लस टू। बोलो भाई तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, जीरो में दो जोड़ेंगे दो आ जाएगा, दो में जीरो गुणा करेंगे तो अंडर रूट जीरो आ जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी जानते हो आप लोग, यस एम क्या होती है, टू एस प्लस वन। प्यारे बच्चों यस की जगह में क्या रख देंगे, यस की कोई भी इलेक्ट्रॉन सबके सब क्या है स्पिन में है, सबके सब जोड़े में है, तो यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की स्पिन भी क्या हो जाएगी जीरो, तो टू यस इंटू जीरो प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा वन आ जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वन आ जाएगी, और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। और ये पैरा मैग्नेटिक, डायरा मैग्नेटिक, स्क्वायर प्लैनर, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लैनर, और इस हाइब्रिडाइजेशन को बोलेंगे DSP2 बोलेंगे। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसीलिए हुंड के नियम के विपरीत किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया। तो मुझे लगता है कि आपको पूरी की पूरी राम कथा समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई होगी तो जरूर जवाब दीजिएगा बच्चों, अगर राम कथा पूरी की पूरी समझ में आ गई हो तो जरूर जवाब दीजिएगा। थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।